वेज मसाला खिचड़ी की रेसिपी कई तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आज की इस रेसिपी में आप देखेंगे कि इसमें कई सारी सब्जियों के इस्तेमाल के साथ एक स्पेशल तड़का बनाएंगे जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अलग हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे वेज मसाला खिचड़ी। बहुत आसान है, झटपट बन जाती है और काफ़ी फिलिंग है, तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए हमें चावल और दाल इक्वल क्वांटिटी में चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक कप राइस ले लिया है। आप कोई भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। साथ में यहाँ पे मैंने छिलके वाली मूंग दाल ली है, ये काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होती है, लेकिन अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा ना लगे तो बिना छिलके वाली मूँग दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे सोख करना है कम से कम 15 मिनट के लिए, या आपके पास अधिक समय है तो आधे घंटे के लिए इसे सोख करके रख दीजिए। इस बीच यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियों को काट के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे एक गाजर ले लिया है जिसे मोटे टुकड़ों में हमें काटना है। सब्जियों को थोड़ा सा मीडियम से बड़ा साइज़ रखिए ताकि वो प्रेशर कुकर में पूरी तरह से गले ना। आलू ले लिया है मैंने 3 मीडियम साइज़ के, और साथ ही यहाँ पे गोभी ले ली है, पीसेस थोड़े से बड़े ही रखे हैं। मटर ले लेंगे। अब सबसे पहले हम खिचड़ी तैयार करेंगे, तो इसके लिए प्रेशर कुकर ले लिया मैंने। इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 चम्मच तेल। तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे। कुछ देर के लिए हमें इसे फ्राई करना है ताकि जब हम प्रेशर कुक करें तो ये पूरी तरह से मशी ना हो। इनके ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर हमें चाहिए, तो लगभग इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह बीच में चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच रखिए। तो यहाँ पर ऊपर नीचे कर लेते हैं सब्जियों को, और आप देखेंगे कि कुछ ही देर में इनके ऊपर अच्छी सी एक लेयर आ जाएगी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा गुलाबी होने तक बस हमें इसे फ्राई करना है। तो 2 से 3 मिनट टाइमिंग देख के भी आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबको उलटते पलटते हुए अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है हमें। आप ऐसे भी सब्जियों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह से सब्जियाँ मैश हो जाएंगी चावल दाल के साथ। अब थोड़ी देर भूनने के बाद यहाँ पर ऐड किया है हमने ग्रीन पीस। थोड़ा सा ग्रीन पीस हमने अलग से रखा है, तड़के में डालेंगे, और यहाँ पे डालने के बाद इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें बेसिक मसाले डालेंगे, नमक और हल्दी। तो यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच नमक ऐड किया मैंने, और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखा है, तो यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हमने। जैसे मसाले का कच्चा फ्लेवर ख़त्म हो तब हम इसमें चावल और दाल ऐड कर देंगे जिसे हमने सोख करके रखा था। इसे भी हमें लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। इस तरह से भुने हुए चावल से बनी हुई खिचड़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से हमने इसे भून लिया है, तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चावल और 1 कप दाल लिया है, इसमें मैं 3 कप पानी ऐड करूँगी। ये खिचड़ी थोड़ी सी ड्राई बनेगी, तो यहाँ पर ये 3रा कप ऐड किया है मैंने, और पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और 2 विसल आने तक हाई फ्लेम पे हमें इसे पका लेना है। 2 विसल से ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, उतने में ही ओवर कुक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मशी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गैस का फ्लेम हाई है, और ये पहली सीटी आई, और दूसरी सीटी आते ही मैंने गैस को बंद कर दिया। अब इसे ठंडा होने देंगे, पूरी तरह से प्रेशर निकल जाए, उसके बाद ही हम इसे खोलेंगे। तो यहाँ पर पूरी तरह से प्रेशर निकल चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं खिचड़ी हमारी इस तरह से तैयार हो जाएगी। इस खिचड़ी को आप इस तरह से भी कंज्यूम कर सकते हैं घी के साथ, ये तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पे देखिए इसका टेक्सचर काफ़ी ड्राई है, तो इसके लिए पानी की क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए डालिए। 3 कप से ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा उलटते पलटते हुए मिक्स कर लेते हैं इसे हम। अब इसके लिए हम एक तड़का तैयार करेंगे। तड़का के लिए यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को फाइनली चॉप कर लिया है। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने ग्रेट कर लिया है, आप चाहें तो फाइनली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 कप मटर के दाने ले लिए हैं, अदरक ले लिया है 1/2 इंच टुकड़ा, और 3 हरी मिर्च को स्लिट करके। अब एक कढ़ाई में ऐड करेंगे हम देसी घी, क्योंकि खिचड़ी का टेस्ट घी के साथ बहुत ही लाजवाब बन जाता है। जैसे ही घी गर्म हो जाए इसमें ऐड कीजिए 1 चम्मच ज़ीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, और यहाँ पे जाएगा 1/4 छोटी चम्मच से भी कम हींग। सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम के बीच रखा है मैंने। जैसे ही जीरा चटक जाए घी में, तब हम इसमें प्याज, अदरक और हरी मिर्च ऐड कर देंगे, एक साथ ही डालना है।
और प्याज को हमें हल्का सा गुलाबी होने तक भूनना है। इनका क्रंची फ्लेवर बना रहे खिचड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से भुने हुए प्याज का। तो यहाँ पे मिला लिया है और लगभग एक से डेढ़ मिनट में ही आप देखेंगे कि प्याज अच्छी तरह से भुन गया है। तो ये देखिए, जैसे प्याज का कलर गुलाबी हो जाए हम इसमें मटर के दाने और टमाटर ऐड कर देंगे। एक बार मिला लेते हैं और मिलाने के बाद हमें इसमें ऐड करने हैं सूखे मसाले, जो कि सिर्फ एक ही है। थोड़ा सा यहाँ पे नमक भी ऐड करेंगे, आप चेक करके भी डाल सकते हैं खिचड़ी में कितना नमक है। तो थोड़ा कम है तो इसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नमक ऐड किया है। अब डालेंगे इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच भर के, और इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं ऐड होगा। अब सबको अच्छी तरह से हमें मिक्स करते हुए भूनना है। अब इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर पूरी तरह से मशी ना हो जाए। तो इसके लिए इसे कवर कर देते हैं लगभग 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। इतने में मटर भी सॉफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं घी ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे अब बिना ढके ही हम इसे एक से डेढ़ मिनट के लिए और पका लेंगे। मसाले का टेक्सचर जैसे स्मूथ हो जाए तब समझ जाइए कि तड़का बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बाद में आप गार्निशिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लिया है मैंने लगभग आधे मिनट के लिए, और ये सारा प्रोसेस हम लो फ्लेम पे ही करेंगे। और यहाँ पे मसाले का टेक्सचर देखिए, टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है, घी ऊपर आ चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें खिचड़ी को ऐड कर देंगे जो हमने पहले से तैयार करके रखा था। तो ये खिचड़ी थोड़ी सी ड्राई बनेगी। तो अगर आपको थोड़ी पतली खिचड़ी चाहिए तो यहाँ पे पानी ऐड करके इसे मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनी हुई खिचड़ी का टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार इसी तरह से ट्राई कीजिए। अब मसाले के साथ खिचड़ी को मिक्स कर लेंगे हम। तो जैसे जैसे मसाले के साथ खिचड़ी मिक्स होता जाएगा आप देखेंगे इसका कलर काफ़ी अच्छा होने लगता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसमें हमने गरम मसाला का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि घी का फ्लेवर इतना अच्छा आता है कि आपको बहुत सारे स्पाइसेस डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह से बनाइए, आप देखेंगे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब यहाँ पे मिलाने के बाद मैं आपको इसका टेक्सचर नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो ये सेमी पुलाव भी आप बोल सकते हैं इसको। इसको रायता के साथ सर्व कीजिए, सबसे अच्छा उसी के साथ लगता है। और यहाँ पर देखिए इसका टेक्सचर इस तरह से आएगा। तो इस खिचड़ी को ज़रूर ट्राई कीजिए, थोड़ी सी अलग होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बनाना भी आसान है, उधर आपने प्रेशर कुकर में खिचड़ी बनाई, इधर आपने तड़का तैयार किया, दोनों को मिक्स कर लीजिए और फटाफट आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।